Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एसएससी सीपीओ 2018 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो चलिए अभी हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। एसएससी सीपीओ 2018 एग्ज़ाम व्यू, इसका पे हम ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले ये आज रिलीज हुआ है और इसमें अभी टोटल वैकेंसी कितनी है इसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं। अप्रॉक्स 1223 टेंटेटिव वैकेंसीज है, और जिसके अंदर CAPF, ASI, SI एंड दिल्ली पुलिस, इसमें वैकेंसीज निकलती है। SSC CPO SI 2018 एग्ज़ाम जो होगा वो 4 to 10 जून 2018 के बीच में होगा। टीयर वन की जैसे हम बात कर रहे हैं, इसका फुल नोटिफिकेशन आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए SSC की इसकी रिलीज जो डेट है वो आज की डेट है, जो कि 3 मार्च 2018 है, और जो इसका SSC CPO एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो गए वो भी आज ही से स्टार्ट हो गए, और लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल 2018। याद रखिएगा 2 अप्रैल 2018, इससे पहले ही आप लोग अप्लाई कर सकते। सेकेंडली जो SSC CPO जो टीयर वन का एडमिट कार्ड जो हो गए वो 2 मई 2018 से अवेलेबल हो गए। टीयर वन जो होगा वो 4 to 10 जून 2018 को होगा। टीयर वन SSC CPO का जो रिजल्ट आएगा वो 2 अगस्त 2018 में आएगा। पैट PST और मेडिकल जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सितंबर और 2 अक्टूबर 2018 के बीच में होगा। SSC CPO टीयर सेकंड एडमिट कार्ड जो आगे वो 2 नवंबर 2018 के आसपास आएंगे। SSC CPO पेपर सेकंड एग्ज़ाम जो होगा वो 1 दिसंबर 2018 में होगा, और SSC CPO टीयर टू रिजल्ट जो होगा आएगा वो 2019 में आएगा। जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर GD इन CAPFS। टोटल वैकेंसी से 1073, और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस है 97, और टेंटेटिव वैकेंसीज जो है इसकी वो ये ओपन हुई है, और इसमें सब इंस्पेक्टर मेल इन दिल्ली पुलिस जो है टोटल वैकेंसी जो आपको पता है 97 है। इसी के साथ सब इंस्पेक्टर फीमेल इन दिल्ली पुलिस में है टोटल 53, और इसी के साथ सब इंस्पेक्टर CAPF में है, और जो इसमें विभाग है BSF है, CISF है, और CRPF है, ITBP है, SSB है। टोटल वैकेंसी जो इसमें है 1073। और जो प्रेफरेंस जो होगी वो जैसा कि आपको मालूम है कि पोस्टों का प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से रखना होगा। जिसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप A लिखेंगे, जिसे सेकंड उसे B, दैट्स विल यू गो ऑन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एज लिमिट है वो 20 to 25 ईयर्स है। इसमें आपको छूट मिलेगी SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की छूट मिलेगी, और एक्स सर्विस मैन है तो भी 3 साल को आपको मिलेगी। OBC एक्स सर्विस मैन है तो 6 ईयर्स की मिलेगी, एक्स सर्विस मैन SC ST तो 8 ईयर्स की, एंड इफ़ यू आर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय यानी अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। इफ आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय OBC में है तो 43 ईयर्स ऑफ एज, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय SC ST तो 45 ईयर्स ऑफ एज है। प्लस हम इसमें हमने सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस का पे स्केल हम देखते हैं 9300 to 34800 पे बैंड सेकेंड एंड ग्रेड पे है 4200। सब इंस्पेक्टर CAPF की 4200 ग्रेड पे है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF की ग्रेड पे है 2800। चलिए हम आगे देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, और इसके लिए जो इसकी एप्लीकेशन आएगी वो ऑफिशियल वेबसाइट SSC.NIC.IN पर अवेलेबल होगा। इसी पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी जो फीस है अदर जनरल एंड OBCs में 100 रुपये, और SC ST और फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए नो फी, कोई फीस नहीं है इसके लिए। इसका जो टीयर वन होगा उसका पैटर्न ये है कि टीयर वन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 50 नंबर की, और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आएगी 50 नंबर की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो आएगा वो 50 नंबर, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा 50 नंबर। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा आपका, ये 2 घंटे का पेपर होगा। शिफ्ट 1 जो होगा वो 10 से 12, और शिफ्ट 2 2 से 4। SSC CPO पेपर सेकंड, इसमें जो आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 नंबर का, ये भी टाइमिंग वही रहेगा जो ऊपर बताया मैंने आपको। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होगा आपका।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.